हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटरजोन पे, और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, एक गिव अवे चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, जो गिव अवे उसका जो है गिव अवे चल रहा है, आपको मैं उसका वीडियो ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वो भी आप जो है चेकआउट कर लीजिए। और दोस्तों, एक चीज़ और, अभी जो है हम जल्दी एक ड्राइविंग स्किल्स का एक्सपीरियंस वो लेके आने वाले हैं, पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर जो है अगर आप ड्राइविंग वगैरह नहीं जानते हो, या फिर नई गाड़ी है, नया व्हीकल है, या फिर नए ड्राइवर हो, तो आपको जो है वो वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम जो है जल्दी एक और सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर आप जो है घर के ऊपर, घर पे ही अपनी गाड़ी की जो है सर्विस वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हो, बेसिक चीज़ें। मैं कोई एक्सपर्टीज नहीं बताने वाला, जो बेसिक चीज़ें होती है जिसके लिए आपको, अगर आपके नियरेस्ट में शोरूम नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है, तो आप जो है अपने आप ही चीज़ें कर सकते हो। और मैं सारी चीज़ें हैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ आपको, हर एक चीज़ है प्रैक्टिकल, जितना जितना मुझे नॉलेज है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छे खासी जो चीज़ें हैं जो मैं बेसिकली घर पे ही कर लेता हूँ, वो चीज़ें मैं आपको जो है करके बताने वाला हूँ, और आपको जो है वो इसका अच्छा एक जो है आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे अपनी गाड़ी की जो है सर्विस वगैरह, या फिर जो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी मोटी चेंजेस है, आप जो है गाड़ी के खुद ही घर पे कर लेते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट पे। सबसे पहले तो दोस्तों, ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना लेना चाहिए था, कि महक है अपनी हर गैराज, इनका चैनल है एक यूट्यूब, जो एक फीमेल है, पूरी जो है अपना चैनल को चलाती है, सिंगल, मतलब यूट्यूब पर कई ऐसे गिने चुने चैनल मिलेंगे आपको व्हीकल से रिलेटेड, जो एक लेडी चलाती है और पूरा चैनल खुद हैंडल करती है। तो उसमें जो है एक महक मैडम है, जिनका चैनल है हर गैराज, उन्होंने दोस्तों अभी पंच ली है, पंच की डिलीवरी ली है, तो उनको सबसे पहले तो बहुत बधाई। उन्होंने पंच का बेस मॉडल लिया है, वहीं से जो है पंच हमने उठाई थी, हमारी जो पंच है 20 अक्टूबर को आ गई थी, लॉन्चिंग के 2 दिन बाद में हमने जो है वहाँ से पंच उठा ली थी। उनको जो है बेस मॉडल लेना था, तो उन्होंने लगभग 1 महीने बाद है वो पंच उठाई है। तो सबसे पहले उनको बहुत बधाई, अगेन बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, पंच उठाई है, बहुत अच्छी जो उनकी जो है चॉइस है, उनके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। बट दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, आप इस चीज़ से आप नाराज़ मत होना चाहिए, आपको थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसा लगे कि यार ऐसे क्या बोल रहे हैं, बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, महक जो है हर गैराज वाली, वो उसको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं। तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, और ये वीडियो मैं बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ, मेरे 7 साल के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बाद में बना रहा हूँ, मैंने 8-10 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, और मेरी जो है 2 गाड़ियाँ खराब सत्यानाश करवाने के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब क्या है कि उनको सब फॉलो करते हैं, काफ़ी अच्छे उनके फॉलोअर्स हैं, लगभग 2-3 लाख के, और मैं तो उम्मीद करता हूँ उनके जल्दी 1 मिलियन जो है फॉलोअर्स हो जाए। बट उन्होंने क्या कर रखा है, पंच ली, बेस मॉडल लिया, अब उसका जो है मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, और मॉडिफिकेशन में वो व्यूवर्स को ऐसे बता रहे हैं कि आप भी मॉडिफिकेशन करवाइए, बट वो बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। वारंटी अवॉइड होती है, एक तो 100% आप मान के चलो, आप बोलोगे कपलर टू कपलर में वारंटी अवॉइड नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं 100% आपकी अगर कोई भी कहीं पे भी डिफेक्ट आ गया तो आपकी वारंटी अवॉइड होनी है, कुछ भी मॉडिफिकेशन हो। आप तो चलो YouTube से भी कमाते हो गए थोड़ा बहुत, और कहीं और से भी आता होगा, अच्छी इनकम है, दूसरी गाड़ी भी ले लोगे, बट किसी व्यूअर ने करा लिया, अगर किसी ने बेस मॉडल लेके करवा लिया, तो उसके तो ये समझ लो कि खराब हो गए। दूसरी चीज़, अगर आप गाड़ी, अगर बाहर से इतनी गाड़ी की एक्सपर्टीज उसको ओपन करके दोबारा पैक कर दे और वो गाड़ी वैसी बन जाए, तो फिर रोबोटिक्स की ज़रूरत ही क्या है, शोरूम वाले भी गाड़ी बना सकते हैं, कंपनी बेस मॉडल ही गाड़ी के दे दे, उसकी ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, यहाँ करते हैं, मैं हालांकि हमारी खुद की क्रेटा, मेरे फ्रेंड के पास क्रेटा थी 2-3 साल पहले, मैं करोल बाग सारा घूम चुका हूँ, 6 साल हो गए करोल बाग में घूमते हो, सारा एकदम करोल बाग को एकदम चप्पा चप्पा छाना हुआ है। हमने क्रेटा का जो है मॉडिफिकेशन करवाया था, अच्छा खासा मॉडिफिकेशन कराया था, बेस मॉडल लेके पुरानी वाली क्रेटा 3 साल पहले, और उसको मॉडिफिकेशन करवाने के बाद में वो 6 महीने तक तो बहुत अच्छे से चली, बहुत पैसा हमारा बचा, कि भाई हमने इतने कम खर्चे में जो है मॉडिफिकेशन करवा लिया गाड़ी का, तो हमारा जो है अच्छा पैसा भी बचा, और अच्छी चीज़ें हमने नई चीज़ें लगवाई उसके अंदर। बट 6 या 7 महीने बाद में कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है कहीं से, जबकि क्रेटा आपको पता है पहले वाली क्रेटा बहुत शानदार और बहुत साइलेंट गाड़ी थी, उसके अंदर जो है ऐसी आवाज़ें आने लग गई, तो वो पंच तो क्या ही चीज़ है। तो दोस्तों, मेरी महक जी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने व्यूअर्स को ऐसे गलत डायरेक्शन मत दीजिए, जो आपके फॉलोअर्स है वो आपको फॉलो करते हैं, आपके आप उनके लिए एक यूथ आइकन हो,
ऐसी चीजें मत बताओ अपने व्यूअर्स को कि वो गलत डायरेक्शन में जाए, उनको नुकसान देना पड़े। अरे आपको जैसे जितनी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से जो है गाड़ी लीजिए, कम पैसे हैं तो छोटी कम पैसों में गाड़ी ले लीजिए, बट उसके अंदर मॉडिफिकेशन आप बाहर से कोई भी छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करवा लीजिए, बट पूरी गाड़ी खुलवाने का मतलब है आपकी गाड़ी का एकदम सत्यानाश होना। ये मान लो आपकी गाड़ी की लाइफ है वो 40% कम हो जाती है एक बार अगर आपकी गाड़ी क्रॉल बाग या कहीं पे भी आपकी गाड़ी एक बार खुल चुकी है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी अगर आपकी जिसकी रिक्वायरमेंट हो, बट आफ्टर मार्केट के अंदर ये चीजें लगवाना मैं सजेस्ट नहीं करता और किसी को भी नहीं बोलता कि आप आफ्टर मार्केट कोई चीज़। हालांकि अगर आप शोरूम से भी लगाते हो उसमें थोड़ा बहुत ये होता है कि शोरूम वालों की वारंटी होती है किसी भी चीज़ की कि भाई बिल दिया है उन्होंने, बाहर से तो कोई बिल नहीं देता, चाहे आप ओरिजिनल एसेसरीज लगाओ। अगर इतनी ही सस्ती होती तो टाटा वाले नहीं लगा के दे देते कोई चीज़ें, उनको क्या जाता है। अगर शोरूम से एक बार मैं बोल भी दूँ आपको कि शोरूम से भी आप अगर छोटी मोटी चीज़ें करवा सकते हो, वो भी सिर्फ भी सिंपल जहाँ पे आपका प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम हो वो चीज़ें करवाइए। आप कहीं पे भी वायरिंग वगैरह के साथ छेड़छाड़ मत करवाइए, आप इस चक्कर में मत फंसिए कि कपलर टू कपलर है तो आपकी वारंटी नहीं जाएगी, कहीं पे भी जा सकती है, वारंटी का कोई वो नहीं है। अगर एक बार वारंटी चली गई उनसे पूछिए जिनको वारंटी से फ़ायदा हुआ है, कहीं गेयर बॉक्स में प्रॉब्लम आ गई, कहीं कुछ हो गया, ज़रूरी नहीं है टाटा की गाड़ी, किसी की गाड़ी के साथ जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट, आप कोई भी गाड़ी को मॉडिफिकेशन करवाओ तो सोच समझ के कराओ, ऐसा नहीं कि आपने मॉडिफिकेशन करवा लिया गाड़ी पूरी खुलवा ली, क्या है ये गाड़ी की आप लाइफ खराब कर रहे हो। ऐसे तो हर कोई बेस मॉडल लेके वो मॉडिफिकेशन करवा लेगा, क्या नुकसान है। आप पूछिए उनसे, अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर उसकी गाड़ी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ जाए, 6 महीने बाद में अगर उसकी गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं आ जाए तो मुझे बोल देना। अगर मान लो कहीं म्यूजिक सिस्टम लगाया 30,000 रुपये लगा के, सपोज करो 30,000 रुपये लगा के उसने 20,000 रुपये लगा के म्यूजिक सिस्टम लगा दिया, उसके अंदर 3 महीने बाद में प्रॉब्लम आ गई तो कस्टमर के तो गए ना। हो सकता है थोड़ा आपको ऐसा लगे कि यार ये ज्ञान दे रहा है, बट रियलिटी है ये, मानो इस चीज़ को। कोई भी गाड़ी को खुलवाने से पहले 10 बार सोचो, अरे भाई गाड़ी है रोबोटिक्स से बनती है, अगर ऐसे गाड़ी ओपन होके कहीं पे भी सेट दोबारा हो जाती, वही सेट चीज सेम चीज़ें फिट हो जाती वहीं पे। मैं ये नहीं बोल रहा फिट एंड फिनिश बुरी होगी उनकी, बट वो चीज़ें नहीं आती है जो उनकी वहाँ से आती है, हमने क्रिएटर के साथ करके देख रखा है। इवन मेरे पास एक i10 और है, उसके अंदर भी है, मैं एक आपको एक अलग से वीडियो आएगा डिटेल में कि वारंटी को कैसे जो है, वारंटी के ऊपर जो चल रहा है कपलर टू कपलर का, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों मेरी मैगजी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने व्यूवर्स को एक सही डायरेक्शन दीजिए, ऐसे मत बताइए किसी के कि भाई आप गाड़ी को खुलवाइए मॉडिफिकेशन करवाइए, प्लीज़ ऐसा मत करिए, गाड़ी की लाइफ ख़राब होती है, मानो मेरी बात। और नहीं होती तो आप 6 महीने बाद में आप खुद बता देना, कहीं ना कहीं अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग जाएगी और आपके क्या उस चीज़ का मतलब है भाई। बाकी देखो आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा पैसे आपके, आपकी इच्छा है, बट अपने व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। आप तो चलो ठीक है, आपने आज पंच लिया कल और गाड़ी ले लोगे, आपका वो कोई नहीं है, बट अपने व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको इसमें कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट आप इस चीज़ से अवेयर हो जाइए, अपनी गाड़ी को खुलवाने से बचिए, जितना हो उसके गाड़ी को मत खुलवाइए। और अगर आप करोल बाग में, दिल्ली के करोल बाग में चले गए, चाहे वो कोई भी शॉप हो, आप डेफिनेटली उसके बाद में ज़िंदगी में पछताओगे। मैं करोल बाग का चप्पा चप्पा छान चुका हूँ, 6-7 साल वहीं पे बिताए हैं। प्लीज़ गाड़ी उस हिसाब से लीजिए, कम रिक्वायरमेंट हो, कम खर्चे हो, ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें फीचर लगाने, आप दीजिए। आपके फीचर जो है गिमिक फीचर्स होते हैं, थोड़े दिन ऐसे लगते हैं कि यार फीचर्स आ गया, बट आप गाड़ी की लाइफ को बचाइए ना। आपकी गाड़ी जो है एक बार आती है, बार बार तो कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया डिटेल, बाकी देखिए आपकी इच्छा है, बट मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है कि भाई आप मैगजी के इतने जो है फॉलोअर्स हैं और वो गलत मैसेज दे रहे हैं, तो मैंने एक छोटा सा मैसेज आपको लिए ड्रॉप कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अब किसी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।